नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाना सिखा रही हूँ। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारे बनाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये एक कटोरी मैंने आटा लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन लूँगी। इसको हाथ से ऐसे इसको मसल कर और क्रश करके चीज इसमें डाल देंगे और इसमें हम स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी डालेंगे और इसमें हम 2-3 चम्मच तेल डालेंगे। देखिए 1, 2 और ये 3, 3 चम्मच तेल डाल के इसको आपस में ऐसे हम इसको मिलाएंगे। इसमें नमक हम हल्का रखेंगे क्योंकि जो इसके अंदर हम ये मसाला डालेंगे उसमें भी नमक होगा, इसलिए इसमें हल्का नमक डालिएगा। ऐसे मैश करके हल्का हल्का पानी डाल के इसको हम आटे का डो बनाएंगे। ना ये बहुत सख्त होना चाहिए ना बहुत ही लूज़ होना चाहिए। ये इस तरह से इसको हल्का हल्का पानी डाल के इसको हम डो को तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे हमने डो बनाकर इसको 10-15 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। ये देखिए डो तैयार हो गया, इसको हम ढककर 15 मिनट के रख। ये देखिए ये 2 बड़े आलू मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ा ही इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हमने इसमें भुना जीरा डाला है और थोड़ा ही हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है। थोड़ा चटपटा करने के लिए इसमें हमने थोड़ा चाट मसाला डाला है और इसमें से हम थोड़ा सा हम धनिया डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं और कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मुझे धनिया पसंद है इसलिए मैंने इसमें धनिया डाला है। देखिए इसे मैंने हरी मिर्च का नहीं काटी है, मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डाली है। आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ा कम पसंद है इसलिए हमने कम डाली है। और इसको हम अच्छे से इसको मैश कर लेंगे, चाहे आप स्पून की सहायता से मैश कर लीजिए चाहे इसको आप हाथों के द्वारा अच्छे से मैश कर लीजिए। अब मैं आप स्पून से दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको हाथों से अच्छे से इसको मैश करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया। देखिए इसमें थोड़ा सा गीलापन है, इसमें मैंने ये 2 चम्मच या 1.5 चम्मच की अपेक्षा इसमें ये मिला दिया है आलू में, ताकि जो आलू का गीलापन होता है उसको सब ये सोख। इसमें हमने चावल का आटा मिलाया है, इसको हमने अच्छे से मसल के ये देखिए ऐसे तैयार कर लेना है ताकि से गीलापन जो है ये ख़त्म हो जाता है। ये देखिए सारा सा गीलापन उसने अब्जॉर्ब कर लिया। ये देखिए ये हमने रेस्ट पे रखा था 10-15 मिनट के लिए। अब ये देखिए ये अच्छे से आटा तैयार हो गया है। अब इसको हम 4 भागों में इसको ऐसे बांट लेंगे। ये अभी हमारी ये 4 रोटियां ऐसी बनेंगी, ऐसे ऐसे हम 4 बना लेंगे। इस पे हम थोड़ा सा आटा डाल देंगे और जो हमने ये लोई बनाई है अब इसको हम रोटी की तरह इसको बेलेंगे। ये देखिए ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। देखिए ये ना बहुत मोटी बनानी है ना ही बहुत पतली बनानी है। इस तरह से हमने 4 रोटी को बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। जो हमने आलू का मिश्रण बनाया था उसको हमने 2 भागों में कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से रोटी में चारों तरफ से इसको अच्छे से लगा लेंगे, चाहे आप इसको स्पून की सहायता से लगाए चाहे हाथों से। मैंने इसको हाथों से अच्छी तरह से रोटी में चारों तरफ फैला लेती हूँ। देखिए अब स्पून की सहायता से भी ऐसे ऐसे इसको फैला सकते हैं और कोने कोने तक हमने फैला के इसको तैयार। देखिए इस तरह से हमने पूरी रोटी में कोने कोने तक इसको अच्छे से लगा लिया है। और देखिए दूसरी रोटी को हम इसके ऊपर ऐसे इसको फैला लेंगे, इसको हल्का हल्का ऐसे दबा देंगे। ये देखिए अब इसे हमें काट लेते हैं। ये देखिए ऐसे हम इसको काट लेंगे थोड़ी थोड़ी इंच की दूरी में।
फिर इसको घुमा के फिर इसको ऐसे चाकू पीसों में हमने ऐसे काट देना है। ये तलने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे करना है। ये देखिए ऐसे इसका हमने एक पीस लिया, एक हमने इस कोने पकड़ा और इसको इससे इस कोने पकड़ा। ये देखिए इसके डिज़ाइन बन जाएंगे, इसको हम प्लेट में रख देंगे। आपको मैं एक और बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह से हमने सारे बना के तैयार कर दिए। इस कोने को इससे मिलाना है और इस कोने को इससे हमने ऐसे मिलाना है। देखिए ऐसे तरह के डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें तेल गर्म हो गया है। जो हमने बनाए थे इसमें हम एक एक करके ऐसे इसमें डालेंगे। देखिए हमने आज पहले इसको खूब तेज गर्म करके इसको फिर हमने मीडियम आंच पर ले आना है। ये देखिए ऐसे मिक्सी में डाल देंगे, फिर इनको गोल्डन होने तक इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए ये नाश्ता बहुत ही अच्छा है और ये हेल्दी भी है, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना है। बच्चों को आलू बहुत पसंद है, बच्चे आलू भी बहुत अच्छे से खाएंगे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद इसको बनाइएगा, टेस्ट कीजिएगा, फिर बताइएगा हमें कमेंट्स करके कि कैसा बना है। ये देखिए ऐसे इनको हम ऐसे देखिए कितने सुंदर ये दिख रहे हैं। इसी प्रकार से हम सारे फ्राई करके निकाल लेंगे।